और भेंट प्यारे देश। आ जाइए, सम्मिलित हो जाइए हमारे क्लास में, हम शुभारंभ करने वाले हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, फिर 1 नंबर करेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन टू बेस वर्कशीट कंटेन्स डेटा, रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने, कर दिया। ओके, द क्वेश्चन टू बेस वर्कशीट कंटेन्स डेटा फ्रॉम 20 डिफरेंट बैंक्स लेबल्ड ए टू ई। फॉर ईच बैंक यू आर गिवन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल। में जो थर्ड क्वेश्चन था दैट वाज नॉट डिफिकल्ट, दैट वाज अ सिंपल प्रॉफिट टेस्टिंग क्वेश्चन। तुम लोग कर नहीं पाए क्योंकि तुम लोग ने किया ही नहीं है कभी प्रैक्टिस। फॉर ईच बैंक यू आर गिवन द इफेक्टिव एनुअल यील्ड अवेलेबल ऑन नॉन इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 years। सो डिफरेंट बैंक्स का हमें डिफरेंट ईयर्स का क्या दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है। कैलकुलेट द 10 ईयर पार यील्ड फॉर ऑफर्ड बाय ईच बैंक। तो हम लोग को 10 ईयर का पार यील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलो। पार यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस वन एंड रिडेम्पशन वन, व्हाट विल बी द कूपन पेमेंट, दैट्स योर पार यील्ड, ठीक है। रिडेम्पशन वन, प्राइस भी वन है, कूपन पेमेंट जो कैलकुलेट होगा सी, जैसे हम लोग लिखते हैं ना सी बाय वन प्लस आई प्लस सी बाय वन प्लस आई का होल स्क्वायर, वो कर करके प्लस वन बाय। तो रिडेम्पशन भी एट पार है, प्राइस भी एट पार है, तो व्हाट विल बी योर कूपन यील्ड, दैट इज योर बेसिकली पार यील्ड। तो ये हम लोग को रिटर्न दिया हुआ है, बेसिकली आई दिया हुआ है हर साल का, ठीक है। ये हम लोग को आई दिया हुआ है हर साल का, कि अगर 1 साल का इन्वेस्टमेंट है तो इतना रिटर्न होगा, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है तो इतना रिटर्न होगा, एंड सो ऑन। तो हर साल का हम लोग को रिटर्न दिया हुआ है। नाउ इन दिस शीट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट एट टाइम वन, बेसिकली वो सी बाय वन प्लस आई, सी बाय वन प्लस आई का होल स्क्वायर, वो वाला वन बाय आई, वन बाय वन प्लस आई स्क्वायर, वो निकालने बोला, ठीक है। वो निकालने बोला है कूपन पेमेंट ऑफ 1 रुपी। तो सिंपली डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे देख लो। 1 प्लस ये जो दिया है आई टू दी पार माइनस ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब जब राइट ड्रैग करेंगे तो ये राइट ड्रैग होना चाहिए, जब नीचे करेंगे तो नीचे ड्रैग नहीं, सो वी विल जस्ट एब्सोल्यूट द रो नंबर, ठीक है। ये हो गया अपना प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग को पीवी, ये पीवी ऑफ कूपन पेमेंट्स हो गया, सी बाय वन प्लस आई, सी बाय वन प्लस आई होल स्क्वायर, सी बाय वन प्लस आई होल क्यूब, डॉट डॉट डॉट, सी बाय वन प्लस आई का होल द पावर 10। अब रिडेम्पशन का भी तो पीवी निकालना है ना, सो पीवी ऑफ रिडेम्पशन ऑफ 1, पीवी ऑफ रिडेम्पशन ऑफ 1 ये अपना होगा सिंपली 10 ईयर्स का, विच इज दिस वैल्यू, देख लो 10 ईयर्स का ही है ना रिडेम्पशन, तो आपका टाइम 10 पे होगा, एंड देन व्हाट विल बी योर पार यील्ड, इतना बड़ा। What will be your par yield? बोलो। 1 equals to, ये पूरा इक्वेशन सी निकालना है, तो सी हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये पूरा इक्वेशन। सो बेसिकली क्या करना है, 1 माइनस
इधर से 1 माइनस ये चला जाएगा उस तरफ, खाली जो रिडेम्पशन वाला अलग से है, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय इस पूरे का सम। नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो। सबको आया समझ में? आई डोंट थिंक सो। पारील नहीं पढ़ा है। 1 इक्वल्स टू, मतलब प्राइस तुम्हारा 1 है तो पीवी ऑफ ऑल द कैश फ्लोज इज 1। तो 1 इक्वल्स टू सारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। तो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन उस तरफ चला गया, 1 माइनस क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन उधर चला गया, डिवाइडेड बाय तुम्हारा पूरे का हाँ तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। तो वो सी आ गया ना तुम्हारा, तो ये तुम्हारा पार यील्ड आ गया। ठीक है, जनरली इट्स केप्ट इन परसेंट, देख लो। हाँ सेम होगा, 10 ईयर्स का ही होगा। मैम एक दो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला दिखाओ ना। हाँ पारिल का फॉर्मूला एक बार शो करें। हंसते हंसते जा रही थी। फर्स्ट बात कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन उसी का सल्यूशन खोल के देखो, समझ आ जाएगा। डिटरमाइन विच बैंक ऑफर्स द हाईएस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट एट टाइम 3 ईयर्स। तो मतलब 3 से 4 के बीच में है ना, एट टाइम 3 बोला ना। डिटरमाइन विच बैंक ऑफर्स द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ 2 ईयर फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग एट टाइम 6। हाँ फॉरवर्ड रेट एट टाइम 3 बोला है, तो 3 से 3.1 मतलब 3-4 के बीच में ना, 3.1, और नेक्स्ट वाला है 2 ईयर्स इन्वेस्टमेंट का।
फ्रॉम टाइम सिक्स, तो सिक्स से एट का बोल रहा है, ठीक है? तो ये करो, सेकंड पेज में आ जाओ, इन लोग दिया हुआ ये सब बना के। बट ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं देंगे। फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं? स्पॉट रेट दिया हुआ होता है तो वन प्लस फोर वाला लेना होगा, फोर वाला लेना होगा है? क्या वन प्लस आई फोर वाला वाई फोर, वन प्लस वाई फोर होल टू दावर फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई थ्री होल टू दावर थ्री माइनस वन, थ्री से फोर के बीच का निकालना है। तो और हम क्या बोल रहे हैं, वन प्लस वाई थ्री किया तो क्या बोल रहे हो, माइनस वन अब इसमें से हाईएस्ट कैसे पता करेंगे? देखो इफ दिस इज, देख लो मैं रिपीट नहीं करूंगी, इफ दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पूरा एफ फोर कर देंगे, मतलब अगर वो मैक्सिमम जो नंबर है उसके अगर वो इक्वल है तो मेरे को बैंक का नाम चाहिए या फिर ब्लैंक, तो अपने आप आई आ गया, मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। वो सब भी कर सकते हैं, दिस इज इजियर। सिमिलरली बेस्ट टू ईयर फॉरवर्ड रेट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसमें, आपको देखो टू ईयर फॉरवर्ड रेट एट टाइम सिक्स बोला है, तो इसमें दो साल का इन्वेस्टमेंट है सिक्स से एट का, तो वन प्लस वाई एट बाई टू दी पार एट डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई सिक्स टू दी पार सिक्स, ये वाला जो पूरा है ये टू ईयर का निकल रहा है, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट करने से वन ईयर का निकलेगा माइनस वन, ठीक है? तो वन प्लस वन प्लस बाय एट टू दी पार एट डिवाइडेड बाय वन प्लस बाय सिक्स टू दी पार सिक्स इंटायर थिंग टू दी पार पॉइंट फाइव, क्योंकि आपको फॉरवर्ड रेट मतलब ईयरली माइनस वन, तो इससे आपका ईयरली पर एनम रेट आया। अगर तुम लोग सीधा माइनस वन करते तो वो टू ईयर का रेट आता, वो पर एनम रेट नहीं होता। एंड सेम फॉर्मूला जो यहाँ लगाया आई विल पुट इट हियर, जस्ट दैट इधर पे आई विल नीड दिस एंड दिस, तुम लोग फॉर्मूला लिख देना, ठीक है? एल एल में हाईएस्ट आ रहा है, देख लो करो उसको खत्म, इजी है काफी। क्यों नहीं स्ट्राइक करेगा ये वाला, तो ये तो स्ट्राइक करना ही चाहिए, ये नहीं स्ट्राइक करेगा तो क्या स्ट्राइक करेगा बताओ? अब इधर में तुम लिख सकते हैं ऐसे, या तो तुम ये एक्सट्रैक्ट करो या तो सिंपली बैंक आई बैंक एल टाइप कर दो।
मैम एक बार वाला फॉर्मूला दिखाओ ना। एक सेकेंड, मैम सेकंड वाले फॉरवर्ड रेट में 0.5 पावर में क्यों लिया? क्योंकि तुम 1 + y^8, 1/1 + y^6 करोगी तो 2 साल का निकलेगा ना रेट, पर एनम रेट निकालना है, 1 साल का निकालना है, इसीलिए। ओके मैम। नेक्स्ट एन इन्वेस्टर वुड लाइक टू परचेज हो गया सबका। एन इन्वेस्टर वुड लाइक टू परचेज अ 10-year इंक्रीजिंग एनुइटी सर्टन। एनुइटी सर्टन का मतलब क्या होता है? एनुइटी सर्टन इज नथिंग बट इमीडिएट एनुइटी, तुरंत स्टार्ट होगा, डेफर्ड नहीं है, ठीक है। पेबल एनुअली इन अरियर्स। एनुइटी सर्टन डज नॉट मीन एनुइटी ड्यू या एनुइटी, एनुइटी सर्टन का मतलब तुरंत मिलना स्टार्ट होगा। एंड इट्स लाइक अ एक्चुअली एनुइटी सर्टन, अगर हम और प्रिसाइसली समझे, आप लोगों ने एनुइटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एनुइटी ड्यू, एनुइटी इन CT 1 वाला पार्ट, एंड देन कंटिंजेंसीज वाला पार्ट में आपने एनुइटी पढ़ा है। व्हाट वाज द डिफरेंस? यू हैव टेकन द प्रोबेबिलिटीज, सो इट्स नॉट सर्टन, यू विल नॉट गेट 10,000 एवरी ईयर, इफ यू सर्वाइव देन ओनली। सर्टन मतलब मिलेगा ही मिलेगा। द फर्स्ट पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी 1,000, सब्सिक्वेंट विल इंक्रीज बाय 500 एवरी ईयर। डिटरमाइन विच बैंक विल प्रोवाइड द एनुइटी एट द लोएस्ट कॉस्ट, मतलब प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी निकालना है किसका सबसे लोएस्ट है। अब देखो कैसे इसको टेबल बनेगा, ध्यान से सुनना। टेबल थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। जैसे आपका पेमेंट अमाउंट दिया हुआ है 1,000, 1,500, 2,000 एवरी ईयर का। अब तुम लोग कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे कैश फ्लोज। अब ऐसे बनाओगे तो ऐसे तुम लोग को 20 कॉलम्स बनाने होंगे, 20 जितने भी बैंक है उतने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो या तो तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे बनाओगे तो ईयर ऑन ईयर हर एक बैंक वाइज, और ये वाला ऐसे लिया हुआ है ना तो वो इजी रहेगा कि आप ऐसे बनाओ, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट ऐसे दिए हुए हैं।
अगर इंटरेस्ट रेट्स ऐसे दिए हुए होते तो ऐसे होता है इजी बनाना, बट इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली उल्टा दिया हुआ है। तो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इट्स बेटर कि हम लोग एक बैंक का ये पूरा करें, ऐसे जाए कैश फ्लोज, तो योर ऊपर रखेंगे रादर देन कीपिंग इट इन द कॉलम। ठीक है, तो अच्छा इन्होंने दिया हुआ ही है पूरा चीज ना के। पेमेंट क्या होगा अपना, स्टार्टिंग पेमेंट इज 1000 एंड दिस विल इंक्रीज, दिस बाय दिस विल इंक्रीज, पहले देख लो फिर करना, बाय 500। फिर तुम लोग बोलोगे कैसे हुआ कैसे हुआ, इस सेल पे जाओ उस सेल पे जाओ। तो अब इसको कैसे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, दिस ये हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉलम नीचे ड्रैग करेंगे तो रो एब्सोल्यूट रखना है ना, तो रो को एब्सोल्यूट रखो, राइट ड्रैग करेंगे तो चेंज होगा ऑब्वियसली, इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट टू दी पावर वापस से ये वाला ऊपर वाला, एंड अगेन मैंने देखो डिवाइड में करा है, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग किया है, तो अगर तुम लोग करोगे तो टू दी पावर माइनस वन कर देना। ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे, अरे ओके, कॉस्ट ऑफ एन्युइटी क्या हो जाएगा, सम ऑफ करेक्ट, अब मिनिमम करना है कि किसका मिनिमम आया। तो या तो तुम लोग स्ट्रेट अवे वही करोगे विच बैंक टू चूज जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है, ऐसे ये वाला मिन फंक्शन यूज करके, तो मिनिम इफ दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस तो बैंक अदरवाइज ब्लैंक। के आर है एंड यहां पे यू ऑल कैन जस्ट पुट इन बैंक के, करो नेक्स्ट वाला करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही सब
चलो नेक्स्ट। हुआ कि नहीं कि ऐसे ही बैठे हो? कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अचीव बाय द इन्वेस्टर ऑन परचेजिंग द एन्युइटी फ्रॉम द बैंक एज डिटरमाइंड इन पार्ट थ्री। तो जो बैंक है वो बैंक से हम लोग को कितना इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? ये तो हर साल का रिटर्न हो गया, तो इफेक्टिव रिटर्न है सिंगल आई। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वो कैश फ्लो मेथड जहां आई, बट यहाँ पे ओनली फॉर बैंक के है। नाउ जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या करेगा पता है? वो इसका कॉपी करेगा शीट का, बाकी सारे बैंक्स को डिलीट कर देगा, खाली के को रखेगा। ठीक है, बट एग्जाम में नहीं देंगे। कंट्रोल सी। एग्जाम वाले तो नहीं, एक्चुअली वो उन लोग ना सोल्यूशन हटा हटा के दे देते हैं, नहीं तो इतना कॉलम्स बना के नहीं देते। था ये आया था एग्जाम में, बट अब आई डोंट थिंक अब देते हैं। तो बैंक के लिए एक आई अलग से निकाल लो, 2% लिख दो। भाई तो बहुत इजी पेपर है, फिर इसमें भी डिफिकल्टी। माइनस योर आई, इसमें इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई।
सम कर दिया। अब ये अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का ये जो कॉस्ट ऑफ एनुइटी है शुड बी इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग ओवर देयर। टारगेट कॉस्ट ऑफ एनुइटी बैंक ए का ना, दिस इज द टारगेट। हम लोग को ये चाहिए ना क्योंकि यही था एक्चुअल। यस और नो, यस और नो, ये चाहिए ना। तो इसको चेंज करेंगे टू वैल्यू दिस बाय चेंजिंग इफेक्टिव रेट। तो डेटा व्हाट इफ क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं ये? हम लोग को चाहिए ये, कोई भी एक आई लेके ये 2% लेके ये आ रहा है, तो इसको ऑब्वियसली आई विल इंक्रीज या डिक्रीज। पीवी क्या करना है, इंक्रीज करना है, आई डिक्रीज होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट करें। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द एनुइटी डिटरमाइंड इन पार्ट थ्री। ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमाइंड इन पार्ट थ्री बोला है तो पार्ट थ्री का वैल्यूज लेना, ये वाला मत ले लेना। अरे पार्ट थ्री का वैल्यूज देना है, मतलब ये वाला के का वैल्यूज देना है ना। ये वाला तो तुम्हारा स्पेसिफिक टू दिस रेट हो गया ना, ये तुम्हारा हो गया कि अगर हम सपोज तुमको बोला गया कि किसी साल तुम, इसका मीनिंग क्या, किसी साल तुम 2.14 कमा रही हो, किसी 2.075, किसी साल ये, किसी साल ये, किसी साल ये। तो मैंने पूछा कि इफेक्टिव रेट बताओ 10 साल में जो मैंने कमाया है, काइंड ऑफ एन एवरेज, नॉट एग्जैक्टली बट क्या मैंने 10 साल में कमाया, तो 1.89% कमाया, किसी साल ज्यादा किसी साल कम। बट इन्होंने बोला है आपको ड्यूरेशन डीएमटी निकालना है यूजिंग दैट। डीएमटी का फॉर्मूला याद है क्या? समेशन ऑफ आई क्या, वैसे आई क्या है, समेशन ऑफ क्या, टी इंटू पीवी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पीवी। तो यहां ले लो
पीवी यहां से देखो, पहले देख लो फिर पूछना मत। पीवी यहां से ले लिया, दिस इज दिस इनटू द टर्म, किसी को क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, दिस बाय दिस मनी योर्स, मैम एक बार क्वेश्चन टू पार्ट टू वाला फॉरवर्ड रेट एट टाइम से इसका फॉर्मूला। सुना नहीं? मैम जो फॉरवर्ड रेट एट टाइम सिक्स वाला था ना, आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। देखो ठीक है, करे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ तो। यस मैम, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वन। मोटाई टेबल्स आर गिवन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, देख लो मेल का एंड फीमेल का। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर अ मेल लाइफ एज्ड 25 एग्जैक्ट, फीमेल एज्ड
27 एग्जैक्ट. बोथ लाइव्स आर अलाइव ऑन द डेट ऑफ फीमेल्स 60th बर्थडे. कैसे करेंगे? बोथ लाइव्स आर अलाइव एट द फीमेल 60th बर्थडे. मतलब क्या बोला है? दोनों का पी एक्स मल्टीप्लाई. सिंपल. तो ये टेबल दिया हुआ है. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे भी सेम टेबल दे दिया है. तो हाँ, नहीं अलग नहीं है ये. 25 से स्टार्ट हो रहा है. 25 से स्टार्ट हो रहा है. तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी मेल अलाइव का. क्या हो जाएगा? स्प्रेड आउट करो. ठीक है, स्प्रेड आउट करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल लाइफ अलाइव क्या होगा? 1 माइनस ये पी एक्स निकल गया बेसिकली. या तो एक काम करो ना, टीपीएक्स से निकालो डायरेक्टली. तो मल्टीप्लाई कर दो. अरे मैम, ये क्यों निकाला है? नॉर्मली नहीं निकाल सकते थे? नॉर्मली भी निकाल सकते हो, निकाल लो नॉर्मली. गलत है. पर इधर वन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाले, इधर वन होना चाहिए. ये आई थिंक 25 से 26 का लिया है इन्होंने. 25 से 26 का लिया है. ये हो जाएगा फीमेल अलाइव 1 माइनस दिस दिस इनटू 1 माइनस डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. इन दोनों को मल्टीप्लाई. हम लोग को क्या निकालना है? कौन सा साल तक अलाइव रखना है? कौन सा साल तक अलाइव रखना है? 60 किसका? फीमेल का 60 ना. ये वाला वैल्यू लेंगे फिर, 59 वाला, क्योंकि 25 वाला इज बेसिकली 25 एंड 26 के बीच का. सो प्रोबेबिलिटी बोथ आर अलाइव ये लेंगे, क्योंकि ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली 1p25. ये वाला दिस इज 1p26, 2p26, 3p20, सॉरी 2p25, 3p25 एंड सो ऑन. तो ये जो वैल्यू आएगा ये तुम्हारा आ जाएगा वो वाला. तो ये वैल्यू है, ये 60 वाला वैल्यू नहीं लेना है. एक एक आगे है ना. देखो देखो, अभी फीमेल लाइफ कितना एज है? 27. उसको 60 तक रखना है. मतलब उसका एज क्या होगा उस समय? एज इन योर्स कितना होगा? 60 माइनस 27, 33 ना. तो वही तो आ रहा है, 33p27 ऑफ फीमेल इंटू 33p50
25 ऑफ मेल इज व्हाट यू वांट. तुमको मेजरली देखना है फीमेल का 60th बर्थडे कितना दिन बाद आ रहा है, 33 इयर्स बाद. तो 33p27 फीमेल इनटू 33p25 ऑफ मेल, ये तुमको निकालना है. निकालो फिर बोथ लाइव्स हैव डाइड बिफोर द डेथ बिफोर द बर्थडे ऑफ 60th बर्थडे. बोथ आर डाइड, बोथ आर डाइड कैसे निकलेगा? मेल को मारो, फीमेल का फीमेल को मारो एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मारना है. सो इट्स लाइक 33q27 इंटू 33q25. ये लास्ट सर्वाइवर का कुछ नहीं लिखना है तुमको, खाली मेल डाइड सेम चीज करना है जो तुम यहां किया है. फीमेल डाइड, बोथ डाइड. तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो बट ठीक है मतलब. और ये वाला अपना स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस. तो जैसे ये तुम्हारा है 1p25, 2p25, तो वही हम लोग को यहाँ पे भी चाहिए. एंड उसी को आई विल जस्ट ड्रैग इट राइट, सेम फॉर फीमेल्स. एंड बोथ डाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो क्या डाउट है, इसको बोथ डाइट इतना छोटा कैसे आ रहा है? अच्छा हाँ करेक्ट, सही तो है. तो ये वाला निकालना है प्रोबेबिलिटी. ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो. करो इसको एंड देन थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करूं. The female has died before age 60 exact, and male life is still alive at the end of the year of female's death. The female has died before age 60, and male is still alive at the end of the year of female's death.
मतलब क्या बोल रहा है, 60 के पहले फीमेल तो मर चुकी बट मेल जिंदा है, तो इसका क्या मतलब है पता है? फॉर एग्जाम्पल, बट इसमें क्या बोला है, एंड द मेल लाइफ इज स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ फीमेल डेथ. अगर फीमेल, इसका ये मतलब नहीं है कि मेल इज अलाइव टिल फीमेल 60th बर्थडे, ये नहीं बोला है. अगर मेल फीमेल मर गई ऑन हर 50th बर्थडे, मेल मर गई इन एज 50 सॉरी, तो मेल उसके बाद कभी भी मर सकता है, मतलब इसका ये मीनिंग है. ये नहीं कभी बोल रहा है कि मेल शुड बी अलाइव टिल 60th बर्थडे ऑफ फीमेल, समझ रहे हो? एंड द मेल इज स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ फीमेल. नहीं, 60 के पहले फीमेल तो मर गई, फीमेल के मरने तक उसको जिंदा रखना है, उसके बाद वो मरे जिए, उसके 60th बर्थडे पे वो मरा हुआ हो जिंदा हो फर्क नहीं पड़ता. तो 60th बर्थडे के पहले तक मेल फीमेल को तो मारना है, ठीक है? तो फीमेल डाइज हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो फीमेल डाइज क्या हो जाएगा? नहीं, फीमेल डाई हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें पता है, ध्यान से सुनो फिर तुम लोग करना. हम लोग को निकालना है उस ईयर में फीमेल का मरने का प्रोबेबिलिटी. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग कि इस साल फीमेल मरी, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो. तो कैसे निकालोगे? इसके पहले साल तक वो जिंदा थी और इस साल मर गई, मतलब तुम लोग यूज करोगे ये वाला, मतलब तुम लोग यूज करोगे बोथ लाइव अलाइव, सॉरी बोथ लाइव बोल रही हूँ, फीमेल लाइफ अलाइव ये वाला 0.995, मतलब ये हो गया तुम्हारा 4P27 इंटू Q31. मेल को जिंदा रखना है, पहले फीमेल का लो, फिर मेल का लो, फिर मल्टीप्लाई करो. हाँ, तो देखो इसमें हम लोग को करना है प्रोबेबिलिटी फीमेल डाइज इन अ ईयर, ठीक है? तो इसमें पहला वाला हो जाएगा सिंपली ये वाला मरने का, मैं रिपीट नहीं करूंगी. नेक्स्ट वाला हो जाएगा तुम्हारा फीमेल जिंदा है पहला साल और दूसरा साल वो मर गई, ठीक है? इसको बस अपने ड्रैग कर देंगे. दिस इज फीमेल के उस साल में मरने का प्रोबेबिलिटी. अब हम लोग को बोलना है कि फीमेल मर चुकी है, विच इज दिस वाला प्रोबेबिलिटी इंटू मेल जिंदा है. तो मेल के जिंदा होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? मेल अलाइव वाला, मतलब इसमें आप लोग ऐसे बोल सकते हो फीमेल डाइज इन द ईयर एंड मेल इज स्टिल अलाइव एट दैट ईयर. सो फीमेल डाइज इन अ ईयर एंड मेल स्टिल अलाइव, ठीक है? क्या ये जो फीमेल डाइज इन द ईयर है, इसको हम 60 के बाद हटा नहीं देंगे? हाँ, मतलब ये वाला ये हटा दो, ये कॉलम का तो रो का जरूरत ही नहीं है, वो रो मैंने हटा ही दिया, उस रो का जरूरत ही नहीं है. तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस की फीमेल मर गई एंड मेल स्टिल जिंदा है, मेल अलाइव, ठीक है? इससे एकदम आपका चेक हो गया है कि आपका प्रोबेबिलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है. एंड इसका आप इसका ये क्या होगा, इसका टोटल समेशन आप ले लोगे ना, इसका टोटल समेशन लोगे ना हर साल का, इसका एक सिंगल आंसर नहीं है, इसका टोटल समेशन है. क्योंकि बेसिकली आपने हर साल का निकाला है, तो ये वाला आपने हर साल का निकाला है, तो इसका पूरे का आप सम लोगे, सम ऑफ टीपीएक्स, TP20 सॉरी सॉरी TQ27 इंटू वो टीपी, QX समेशन ऑफ, ध्यान से सुनना ठीक है, समेशन ऑफ T-1 P27 25 मार्क होगी, चुप करो, इनटू Q27 प्लस T-1, ये हो गया टीए थियर में फीमेल के मरने का प्रोबेबिलिटी. टीएथएम में मरने का मतलब T-1 ईयर तक जिंदा रही और टीएथएम में मर गई, T-1 P27 इंटू Q27 प्लस T-1, ये हो गया पूरा फीमेल का मरने का इन टीएथ ईयर इंटू T
टी पी 25 फीमेल का जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी, वेयर टी गोज फ्रॉम 1 टू 32 ना 33 पे तुम जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो नहीं समझा। ये वापस से कर लू, हाँ स्क्रोल अप। अंजलि कौन सा? अंजलि मैं हूं ना, मिक्स कर दिया ना हम, अंजलि तो उसमें थी। डन, ओके अंजलि आई लव योर नेम, गुड नेम। बाकी सबका हुआ कि नहीं? रिनीशा, नैनिका, उदय, जयवीर, तीर्था, मिताली, खुशी, प्रशिता, चलो डन गाइस, वी आर डन फॉर द डे, वी विल मीट ऑन मंडे, बाय बाय। मैम एक बार लास्ट वाला शो करे ना। कौन सा बोलो? ये वाला? हाँ उसका जो आंसर है हम लोग को सम करके करना है। हाँ क्योंकि अब हर कभी भी हो सकता है ना, कोई भी साल में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं बोला है, 60 के पहले कोई भी साल में, इसीलिए सम कर रहे। मैम उसका आंसर मैच नहीं कर रहा। तुमने यहाँ इस रो में मिस्टेक किया होगा कुछ। प्रोबेबिलिटी तो सेम है।